बी वो मतलब हर जगह आपके अगेंट बहुत सारे कमेंट्स करते हैं तो डेट बॉर्डर यू एक सौ छः यूनिकॉर्न में से भारत पे इकलौता यूनिकॉर्न है जिसके सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऑफ है हुँ? भारत पे क्यों ज्वाइन किया आपने क्या सोचा अप्रोच तो ऑब्वियसली अशनीर ने ही किया दो तीन बार किया तीन चार बार हमने मना भी किया प्रॉब्लम क्या हुई पे फस लॉयटर उतना नहीं

के एक्स चेयरमैन के साथ रजनीश कुमार हमने उनसे पूछा है जब भी ऐसे केसेस होते हैं जैसे विजय माल्या हुआ नीरव मोदी हुआ जेट एयरवेज हुआ इन सब पे अगर बैंक अपना पैसा गवाता है तो बैंक उसके बाद क्या करता है और कैसे रिकवरी करने की कोशिश करता है और क्या बैंक को इन सब चीज़ों से फ़र्क भी पड़ता है ओवरऑल बैलेंस शीट में कि नहीं इन सब बातों के अलावा आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है हर एम्प्लॉय के लिए क्योंकि रजनीश कुमार जी ने स्टार्ट किया था एज़ एन एम्प्लॉय एंड वो बन गए एस के चेयरमैन तो हर एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि छोटे से एम्प्लॉय से एक बड़ा चेयरमैन कैसे बने हर ऑन्ट्रप्रिन के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करके कैसे वो पैसे लें और उन्हीं पैसों से अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करें और ऑब्वियसली हमने इनसे ये भी बात करी कि अश्वनीक्रोहर के लास्ट स्टार्टअप भारत पे में ये इन्वॉल्व कैसे हुए एज अ चेयरमैन ऐसा क्या खराब हुआ जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए एंड भारत पे ने अपने पूरे सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स ऑफ कर दिए एंड अश्वनी ग्रोवर हर जगह इनके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं एंड 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 अगर आपको ये लगता है कि पॉडकास्ट बहुत बड़ा है तो राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम बहुत कम समय में बहुत छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बना देते हैं इन्जॉय टूडे शो आपको क्या लगता है कौन सी स्टेज पे कौन सी स्टेज पे स्टार्टअप शुड गेट सीनियर एग्जीक्यूटिव कब लाइक 20 yes. 30 लो के बाद कि हाँ आई वुड से दैट इन इन लार्ज कॉर्पोरेशंस जनरली द प्रिंसिपल इज दैट यू शुड नॉट हैव मोर देन फाइव और सिक्स रिपोर्टनीट्स फाइव और सिक्स रिपोर्टनीट्स मतलब कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छा गॉट इट सपोज देयर इज अ सीईओ हम्म

उतनी, उतनी बड़ी टीम टीम होनी चाहिए। अगर तुम्हारी टीम को फीड करने के लिए दो पिज्जा ज़्यादा लगते हैं, तो फिर टीम बड़ी टीम बड़ी होगी। तोड़ो ओके। वो से से नहीं होना हाँ। चाहिए आप ज्यादा टेंशन दे रहे हो आपकी कोर स्ट्रेंथ के हर एक की कोई कोर स्ट्रेंथ होती नहीं है सपोज आपका है कि ंग इन कंटेंट क्रिएशन वो आपकी कोर स्ट्रेंथ हाँ. है बट वेन इट कम्स टू यू नो नहीं है yeah. तो hmm. इशू है मैंने एक एग्जाम्पल दिया कम्प्लायस वगैरह और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जॉब ah, uh, अगर छोटी कंपनी है तो देयर कैन बी समेक केयर ऑफ फाइनेंसेज कंप्लाइंस इट इज़ नॉट नेरी दैट यू हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हायरिंग प्रोफेशनल ऑल्सो कॉस्ट मनी एक्सपेंसिव डायरेक्ट कॉस्ट तो क्वालिटी प्रोफेशनल तब मिलेंगे आपको जब आप उनको अच्छा पे करोगे और uh, उनको कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी अट्रैक्शन होगा तो कई फंक्शंस जो है एक आदमी कर सकता है बट नॉट टू मैन्यू और सर अभी तो बिक पिछले तीन चार साल जो बुल रन टाइप था जिसमें एक्स्ट्रा वैल्यूशन एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे तो अब एग्जीक्यूटिवस की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है कि वो डबल ट्रिपल हाइक पे आते हैं हाँ। मतलब कैसे लेके आओ हाइक लोग ऐसे नहीं मांगते कि मेरा ट्वेंट टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट कर दो लोग बोलते डबल कर दो ट्रिपल कर दो नाउ द एक्सपेक्टेशन इज दैट बट द करेक्शन मार्केट में करेक्शन बहुत ज्यादा आ गया है एक्सपेक्टेशन मैनेज करना और दूसरा थोड़ा सा अब दिस इज अव ट्रेंड अब लॉयल्टी फैक्टर उतना नहीं यूनिट पीपल हु आर पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग योर ऑर्गनाइजेशन इट्स नॉट ऑल अबाउट एंड शुड नॉट बी ऑल अबाउट मनी मनी इज इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में तो लोग मांगेंगे ही और एक्सपेक्ट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ फिर डिलीवरेबल्स बहुत क्लियर होने चाहिए और एक पैशन होना चाहिए कि भाई ठीक है आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर मैं आई विल इन्श्योर कि कंपनी हमारी आगे बढ़े और ग्रोथ नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला क्योंकि आजकल जेनवनी लॉयल्टी नहीं है आप, नहीं। जैसे टॉकिंग अबाउट यू एन एस राइट आप सोलह साल सत्रह साल एस में थे अड़तीस थर्टी एट ईयर्स आई ज्वाइन इन नाइनटीन एंड रिटायर्ड इन ट्वेंटी स्टेट बैंक ज्वाइन करा और स्टेट बैंक की लिव करा थ्रू आउट द लाइफ वाह सो थर्टी एट ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में और ये लॉयल्टी भी मतलब इतना थाट प्रोसेस ही नहीं लोगों का वो चाहते ही नहीं चाहना ही मतलब आइडिया ही नहीं है कि थर्टी एट ईयर्स तो सोच ही नहीं सकते किसी एक में दो चीज़ें हुई हैं एक तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं और दूसरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ी कि चलो आज हम आज ये जॉब छोड़ देंगे तो हमें कल जो है जॉब और मिल जाएंगे हाँ। और मिल जाएंगे और अर्ली स्टेज में आदमी ज़्यादा रिस्क लेता है तो एक जो फ़िनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है जब हम लोगों ने स्टेट बैंक ज्वाइन किया था तो उसमें फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती थी आपको डर लगता था आज हमने जॉब चेंज कर दी और वहाँ अगर नहीं चला तो क्या होगा तो वह एक कहीं ना कहीं अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप रिस्क भी अवॉइड करते हो लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं है जैसे आ, मेरे साथ करीब 300 लोगों ने ज्वाइन किया एज प्रोविशनरी ऑफिसर सो एट लीस्ट थर्टी फोर्टी परसेंट वुड एव लेफ्ट तो लॉयल्टी कैसे बनाते हैं कैसे करें कि कुछ तो नेचर में होता इंसान के नेचर में इंसान के नेचर में होता तो उसकी लॉयल्टी ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल्टी जो है वो आपकी नेचर में होगी तो आप फैमिली के लिए भी लॉयल होंगे आप अपने जॉब के लिए भी लॉयल होंगे तो नेचर तो एसेस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट हाँ, कैसे करेंगे करेंगे कि कैसे करेंगे। लेकिन बातचीत से उससे मतलब थोड़ा ये आइडिया लग सकता है आ, कि भाई आपका इंटेंट क्या है ज्वाइन करने के बारे में या पिछले मान लीजिए पाँच साल में आपने कितने जॉब चेंज करे उससे भी पता लग जाता है फिर आपका जवाब जब आप लीड कर रहे थे एस को इन योर इन योर टनी ऑर बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे वो बुक के मैं स्टार्टिंग में भी देख रहा था कि सबसे इंटरेस्टिंग चाहता था डीमोनेटाइजेशन तो बहुत ही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या था सो तो टेल मी मोर अबाउट दैट टाइम कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब आप कंट्री का सबसे बड़ा बैंक लीड कर रहे हो तो क्या चैलेंजेस थे पहले तो ये बताओ कि डीमोनेटाइजेशन पहले से बैंक्स को पता था नहीं नहीं बैंक्स को बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं था उस समय मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था और चेयरमैन अरुन्धति भट्टाचार्य थे जब ये आठ नवंबर को शायद ये डिसीशन हाँ। हुआ था आठ नवंबर 2016। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि पूरा ब्रांच नेटवर्क जो स्टेट बैंक का है बाईस हज़ार ब्रांचेस का दैट वॉज अंडर मी और स्टेट बैंक में एक चीज़ जो थ्रू एक्सपीरियंस वी लर्न हाउ टू मैनेज क्राउड्स हमेशा लाइन ही लगी रहती है स्टेट बैंक हमेशा हमेशा और पीलीभीत ब्रांच है एक यूपी में हाँ. तो उसका ब्रांच मैनेजर था तो उस टाइम में तो ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं होता था हुँ. और जो हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के उसकी एग्जामिनेशन फ़ी जमा होती थी hmm. तो दैट विल बी ऑलमोस्ट किलोमीटर लॉन्ग क्यू और आप स्टूडेंट से डील कर रहे हो तो किसी समय कुछ भी आ, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता <laughs> तो उस समय क्या होता था इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज ब्रांच मैनेजर हम लोग बाकी सारा बैंकिंग काम बंद और केवल फ़ीस जमा करने के लिए हर आदमी काउंटर पर बैठ जाता <laughs> और उस लाइन को मैनेज करने के लिए आ, क्या उनको सुविधा देना है क्या शेड है hmm. या क्या पानी की व्यवस्था है सो so दैट कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ क्रिएट नहीं होनी चाहिए तो इस तरह के एक्सपीरियंस स्टेट बैंक में लोगों को हमेशा से है टू डील विद द क्राउड्स तो डिमोटाइजेशन में भी यही हुआ कि स्टेट बैंक ने उसको बड़ा एफिशिएंटली हैंडल किया और स्पेशल एम्फेसिस इस बात पे था कि Uh, जो भी uh, ब्रांच में लोग आएंगे जितना संभव हो सकता है उसके uh, मतलब उनको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट एटलीस्ट शेड एंड वाटर एंड ऑर्डरली क्यू फॉर बहुत ब्रांच में इससे बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिसमें स्टेट बैंक के पास थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट जो डिमोनेटाइज करेंसी थी वो hmm. स्टेट बैंक के पास है hmm. आ, लेकिन शिकायत नहीं आई कहीं से। जो कि बहुत बड़ी बात थी और उसको अप्रिशिएट भी किया गया कि जिस ढंग से ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ और एफिशिएंटली स्टेट बैंक ने मैनेज किया आ, वो एक अच्छा एक एग्जांपल बना लेकिन मैं समझता हूँ उसमें जो, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग ऑफ क्राउड्स दैट ऑल्सो केम हैंडी दैट हेल्प्ड जो लोग जिसके ऊपर सारे मीम्स बनाते हैं जिसके बारे में बातें करते हैं कि एस में हमेशा आ, लाइन लगी रहती है लंच ब्रेक चलाता है वो स्ट्रेंथ बन गई इस पर्टिकुलर हाँ, सिचुएशन में अभी जो लाइन लगी रहती है भीड़ लगी रहती है तो अगर आप किसी भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो ये तो अच्छी बात है हाँ। like empty, या। और आज की तारीख में स्टेट बैंक अड़तालीस करोड़ कस्टमर्स को सर्व कर जब मैं चेयरमैन था तब चालीस करोड़ थे अड़तालीस करोड़ और वेरीड रिक्वायरमेंट है हमारा ऐसा सेगमेंट नहीं है कि आपने आर्टिफिशियल से स्टेट बैंक में लगा रखी है कि आपके पास पचास हजार रुपये होगा तभी आप खाता खोल सकते हैं और तो लाइक गरीब से गरीब आदमी भी जो है और अमीर से अमीर आदमी सब स्टेट बैंक से डील करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा चैलेंज है और स्टेट बैंक के लिए नहीं आप कोई भी सर्विस देख जब एक कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो जाता है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता है आज का आपका अगर आप देखो इवेंट चाहे रेलवेज हो इवन टेलीकॉम कंपनीज तो सब प्राइवेट सेक्टर में लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर दे वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग सर्विस तो मुझे लगेगा कि आधे लोग तो कह देंगे कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं कॉल ड्रॉप का बहुत बड़ा इशू hmm. है तो एक सर्टेन स्टेज और नंबर और वॉल्यूम तक एक एफिशिएंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना पॉसिबल होता बट ऑन दी अदर साइड अमेजोन की आपने बात करी ऐसे भी एग्जांपल है जो कि कस्टमर सर्विस को डिस्पाइट वॉल्यूम एक डिफरेंट लेवल पे ले एंड उसमें फिर मैन पावर भी है और टेक्नोलॉजी भी है और फिलॉसफी भी है तो एस बी आई की फिलॉसफी नहीं है कि लाइन ख़त्म करो मतलब सर्विस तो नहीं मिल एट यू मैं ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ ठीक है मेरा <coughs> तो मैं एच डी एफ सी से बैंकिंग करता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अभी भी उनके साथ ही करता हूँ तो मैं एस बी आई जस्ट बिकॉज हमने सोचा कि एक सेकेंडरी अकाउंट खोलते हैं एंड इट्स गुड टू की एक प्राइवेट बैंक में तो अब एक गवर्नमेंट लाइट ब्रांड में भी पब्लिक ब्रांड बैंक में भी होना चाहिए करते हैं तो हमने उसमें अकाउंट खोला और आप कितना भी बड़ा अकाउंट या कितना भी छोटा अकाउंट खोल लो को वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता हाँ। है आपको उधर बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आप दो बजे हाँ <laughs> <laughs> मतलब बहुत तो वो मैं मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था तो मुझे लगा कि यार मैं क्यों एस बीट में खोलूँ मैं पर्टिकुलरली एंट्री बैरियर थोड़ा सा है इस तरह का कि नया अकाउंट खोलने में कई बार लेकिन Uh, जो आपने कहा ना कि क्यूज कम नहीं हुई है uh -huh. तो दो तीन स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट है अभी 92 परसेंट ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक के वो ब्रांच में नहीं होते okay. केवल आठ परसेंट ही होते हैं टोटल ट्रांजेक्शन का आठ परसेंट ब्रांच में होता है नाइन्टी टू परसेंट बाहर होता है ऑल्टरनेट चैनल में जैसे ए टी पे होता है uh -huh. योनो जो स्टेट बैंक का फ्लैगशिप डिजिटल प्रोग्राम है uh -huh. ऑनलाइन उस पर होता है ऑनलाइन और सत्तर हजार बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं उनके थ्रू होता है तो अगर आप स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे तो उसमें दे प्रोवाइड दिस आठ परसेंट होने के बाद भी तब भी ब्रांचेज में कुछ में रश ज़्यादा रहता है हुँ. कुछ में अब कम हो गया है बैंक ने ब्रांचेज की रीडिज़ाइन भी किया पहले सेवेंटी परसेंट स्टाफ के लिए होती थी, थी ब्रांच में स्पेस थर्टी परसेंट कस्टमर के लिए होती है बाद में पूरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुआ बैंक में तो सेवेंटी परसेंट स्पेस कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड की गई थर्टी परसेंट स्टाफ के लिए लेकिन स्टाफ के भी एटीट्यूड में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज आया है लेकिन जो एक चीज़ अभी भी लैकिंग है कि अगर बाईस हज़ार पाँच सौ ब्रांचेस हैं तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस अभी भी कस्टमर को नहीं मिलता Hmm. वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ का ब्रांच मैनेजर कैसा है एग्जैक्टली एंड हाउ डज यू मैनेज दैट ब्रांच तो किस कुछ ब्रांचेस में आप जाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा कुछ ब्रांचेस में जाएंगे आपको अच्छा नहीं, नहीं लगेगा हाँ। तो ये एक चैलेंज अभी भी स्टेट बैंक के सामने है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस अक्रॉस द ब्रांच नेटवर्क वो कैसे कैसे कर रहे हैं ये बहुत <laughs> क्लासिक है कि जोक हमेशा चलता है आज भी इंटरनेट पे हमेशा चलता है और फिर एसबीआई वाले हमेशा लंच ब्रेक पे होते हैं हाँ <laughs> लंच ब्रेक फाल्ट <पे> <laughs> <बिल्कुल, laughs> जबकि ऐसा है नहीं <laughs> नो ऑब्वियसली बैंक कैसे चल रहा है मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे थोड़ी चलता है भाई कितने करोड़ ट्रांजेक्शन डेली स्टेट बैंक हेल्प yeah. करता है वो चीज़ तो हाईलाइट ही होती ना किसी को ये मालूम है कि फोर्टी uh, एट करोड़ कस्टमर्स को जो है बैंक सर्विस so प्रोवाइड करता है, करता है। mm -hmm. so, तो ये जो आस्पेक्ट्स हैं और फेद लेकिन जो बैंक में mm -hmm. है वो अनप्रीसिडेंटेड है मतलब आपको तकलीफ तो होगी लेकिन फिर भी स्टेट बैंक जो है आदमी भरोसा करता है ट्रू कमिंग बैक टू जस्ट अ फन पार्ट ऑफ तो गवर्नमेंट बताती नहीं थी पहले बताया नहीं गवर्नमेंट ने कि डिमोनीटाइजेशन आप बिना उसके कर दोगे तो फिर डिमोनीटाइजेशन का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है तो आर तो... को जरूर उन्होंने कंसल्ट किया होगा हाँ। आर की प्रिपेर्डनेस थी और बाद में जो थोड़ा क्रॉस तो थो हुआ डिमोनीटाइजेशन प्रिपेयर होने चाहिए ना आप बैंक प्रिपेयर्ड नहीं थे और बैंक को आप प्रिपेयर करते तो बैंक की प्रिपरेशन करने में अगर टाइम लगता है तो डिमोटाइजेशन आपका फिर उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है सो दैट्स वाई बैंकिंग सिस्टम वॉज कॉट अन अवेयर्स और जो क्यास का कारण रहा वो यही रहा कि बैंकिंग सिस्टम वॉज नॉट प्रिपेयर एट ऑल टू हैंडल इट एक छोटी सी चीज़ की नए नोट का डिज़ाइन जो है और जो बैंकों की ए में कैसेट लगी होती है तो वही मिसमैश था तो दो लाख से ज़्यादा ए में कैसेट बदलना अपने आप में एक चैलेंज Hmm. तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए अगर आप प्लानिंग करते हो जो कि अगर स्मूथ करना है प्रोसेस hmm. तो प्लानिंग जरूरी है अगर प्लानिंग करते हो तो फिर इट कैन नॉट बी ए सीक्रेट तो बट डिमोनीटाइजेशन करते क्यों लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग दिस क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रहा है नहीं ये डिमोनिटाइजेशन नहीं है hmm. दो हजार का ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही कहूँगा क्योंकि जब आपने डिमोटाइजेशन करा तेरह लाख करोड़ की करेंसी सिस्टम से बाहर निकल गए तो उसको रिमोनिटाइज तो करना ही था अब उसको सौ रुपए के नोट से तो कर नहीं सकते hmm. रिप्लेस तो एक ये, ये सॉल्यूशन जिसने भी दिया होगा या सजेस्ट कर रहा होगा हालांकि आई वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस सॉल्यूशन कि आप दो हज़ार रुपये का नोट लाओ लेकिन किसी ना किसी से तो सलाह ली गई होगी तो इसमें ये समझा गया कि अगर इकोनॉमी को, को रीमॉनिटाइज करना है तो बड़ी करेंसी चाहिए तो एक स्टेज तो ये आ गई थी कि एक दो हजार रुपए का नोट था एक सौ रुपए का नोट था बीच में कुछ था ही नहीं <laughs> तो ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे <laughs> जिस स्ट्रीट पे आदमी है उसकी दो हजार रुपए की अर्निंग थोड़ी होती है exactly. उसकी तो सौ दो सौ रुपए की अर्निंग होती है फिर बाद में गवर्नमेंट ने आर ने फिर पाँच सौ रुपए का नोट बहुत बड़ी <coughs> सॉरी बहुत बड़ी उसमें प्रिंट क्वान्टिटी में फाइव हंड्रेड का नोट लाया तो उससे जाके फिर रोटेशन बना रोटेशन बना दो हज़ार नोट अब तो दो तीन साल से तो वैसे ही दो साल से तो मेरे ख्याल से फ्रेश तो दे ही नहीं रहते थे बैंक तो या तो वो बैंकों की करेंसी चेस्ट में पड़ा हुआ है ट्रांजेक्शन में तो कम ही चल रहा था हाँ. तो उसको अगर कर रहा है आर ने तो इट इज नॉट डिमोनेटाइजेशन क्योंकि उतना इक्वल अमाउंट ऑफ करेंसी वो जो है इमीजिएटली अवेलेबल है और मार्केट में मार्केट में ये नहीं है कि तेरह लाख करोड़ सक हो गया और मार्केट में करेंसी उसी लेवल तक लाने में आपको छ महीने लग गए सो दैट इज नॉट द सिचुएशन तो अभी तो किसी को पता नहीं है कि दो हजार रुपए का नोट विड भी हो गया इन द सेंस थिंग्स आर स्मूथ इतना भी कुछ है भी नहीं नंबर ऑफ पीसेस जो कलेक्ट करने बैंकों को वो भी कम है और तीन लाख अड़सठ हजार करोड़ दैट वॉज द फिगर जो कि करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी घरों में जिन लोगों के पास ऐसा है उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई होगी ट्रांजेक्शन में तो होती तो जिन्होंने इकट्ठा करके रखी वो कैसे चेंज करें <laughs> नहीं वो तो बैंक में जमा करें बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं और बैंक में जमा नहीं कर सकते नहीं जमा कर सकते तो उसका जो भी प्राइस पे करेंगे वो पे करेंगे वो तो भारत सरकार का अगर टैक्स नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट आएगी पेनल्टी आएगी है ना तो वो तो आपको कॉस्ट वो लोग कैलकुलेट करते होंगे लेकिन ये तो सीधा कोई कोई तरीका होता है और कोई और कि दो हज़ार उधर तो से तो, तो ऐसा है कि भारत सरकार को उसका अंश तो आपको देना ही पड़ेगा <laughs> 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 तो हाँ वर टेलिंग कि हम बात कर रहे थे कि सरप्राइज एलिमेंट हुआ पाँच सौ दो हजार के नोट तो क्यों करते डिमोनिटाइजेशन मतलब क्यों पाँच सौ हजार के नोट बंद करना क्यों था नहीं बहुत एक तो जो एक इशू था जो कि रीजन दिया गया दैट वॉज अबाउट की ब्लैक मनी को जो है बाहर लाना है सेकेंड एक बहुत बड़ा सस्पेंशन था कि फेक करेंसी इज़ आ गई है बहुत कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में तो उसको फेक करेंसी जो है दैट इज़ अनदर वे और यही दो प्राइमरी रीज़न तो यही थे आपकी लास्ट जो जॉब थी दैट वॉज चेयरमैन ऑफ एस तो क्या सैलरी होती है एक एस बी चेयरमैन की तो आई थी अभी अखबार में छत्तीस लाख रुपए मेरी शायद अट्ठाईस डीए मिल के अब बढ़ गया होगा अट्ठाईस लाख हाँ और क्या पर्क्स होते हैं पर्क्स में सब कुछ होता है मतलब घर आपको बढ़िया मिलता है मालावारे में जो है एस बी आई चेयरमैन का जो बंगलो है अगर उस पर रैंक में ले जाएंगे तो दस करोड़ रुपए महीना से कम में तो नहीं मिलेगा लगता है ओ। आ, नहीं, दो ढाई करोड़ रुपए महीना और तो प्रॉपर्टी कार आपके पास रहती है कार कौन सी मिलती है क्या होता है कोई भी तीस चालीस लाख तक की कार आप ले सकते हो और बाकी तो अपना मेडिकल जो है वो तो सभी को मिलता है बैंक में तो चेयरमैन को भी मिलता है जो मेजर पार्क होता है वो घर का और गाड़ी का, है। का, है, गाड़ी का होता है पर वो डी लेवल से ही मिलना शुरू हो जाता है घर का साइज जो है वो बड़ा होता है बड़ा होता चला जाता है तो इसमें सैलरी में जो मेजर इशू आता है वो आता है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो जो भी लोग पब्लिक सेक्टर में ईमानदारी के साथ अगर नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक अच्छा घर भी खरीद सकें तो ये एक है कि जो पर्क्स हैं वो तो तब तक है ना जब तक आप नौकरी में हो बट वाट अबाउट आफ्टर दैट फिर नकार मिलती तो जब, ना जब तक हाँ कुछ नहीं मिलता ना तो जो जब तक आप बैंक में हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आदमी रिटायर तो होता है ना तो रिटायरमेंट के बाद जो आदमी का एक आप ढाई एकड़ के बंगलों में रह रहे हो एज एस बी चेयरमैन बॉम्बे में मेरी गारंटी है पंद्रह सौ स्क्वायर फीट का फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम वहाँ आती है

लेकिन आदमी का जो खाना उतने है खाना तो उतना ही खाता है चाहे चेयरमैन हो या रिटायर्ड हो <laughs> कपड़े वो ही पहनता है ठीक है हुँ. केवल जो फर्क पड़ता है वो लिविंग एकोमोडेशन पर रख पड़ता है कार वार सब रखते ही हैं तो कुछ नहीं है और देखो खर्चे भी जो है ना जितनी आदमी की इनकम होती है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं फिर आपको लगता है ऐसा मतलब अट्ठाईस लाख रुपए फॉर द कम है थोड़ा? पचास हजार करोड़ स्टेट बैंक ने साल प्रॉफिट किया है और पचास लाख करोड़ की बैलेंस शीट है तो उस बैंक के चेयरमैन को अट्ठाईस या पैंतीस लाख रुपए सैलरी मिलती है अनफेयर तो है बहुत अनफेयर नहीं है नहीं नहीं है और जितने मतलब प्रेशर रिस्क जितना काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो अब आने के बाद पता लगता है कि आप एक घंटा काम करो तो आपको करोड़ों रुपए मिल जाएगा तो no ah. लेकिन ठीक है भाई आई ऑलवेज कि वेर एवर यू आर यू आर बाय चॉइस ट्रू तो अभी स्टेट बैंक में हमने करियर चूज किया वो हमारा पर्सनल चॉइस थी hmm. बहुत अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास hmm. कि आप छोड़ सकते थे नहीं छोड़ा तो वो तो हमारा अपना डिसीजन है ना तो फिर आप उसको रिग्रेट आप क्यों कर दो कभी आ, ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज्यादा अगर सैलरी मिल जाएगी ज्यादा पैसे मिले तो छोड़ के चले जाता हूँ नहीं लगेगा नहीं एस बी चेयरमैन को तो आप अगर बोलोगे कि मैं आपको जो है पाँच करोड़ रुपए मेहनत देता हूँ तो एस बी चेयरमैनशिप तो नहीं छोड़ेगा <laughs> ये तो <पक्की> बात <laughs> क्यों नहीं छोड़ेगा बिकॉज ऑफ दी बिकॉज वॉट यू डू एज एस बी चेयरमैन प्रोबेबली कहीं और आपको उस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिले you... डिए डिए hmm. लेकिन हाँ जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको लगता है यार कि चालीस साल के बाद जब घर भी नहीं खरीद सकते तो तीन मिनट पर कम से <laughs> उस समय कुछ लगता है <laughs> लेकिन लोग रहते ही हैं तो ऐसा कुछ नहीं है सब एडजस्ट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम और इतना तो सबके पास होता है कि अपना डेली खर्चा सबका बट उसके लीड ियस लाइफ बट स्टेट बैंक में पब्लिक सेक्टर में जो भी काम करता है वो कोई लग्जूरियस लाइफ लीड करने के आदत ही नहीं होती उनकी तो इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता बट उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आई फील पोस्ट चेयरमैनशिप अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती होगी क्योंकि आप चेयरमैन बन गए एस बी आई के तो अब आपको कोई भी हाँ तो वो जो आपने सब स्टेट बैंक की मेहनत करी वो रिटायरमेंट के बाद अगर वो भी चॉइस है आप काम करना चाहो आप करो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत बहुत अच्छा, हाई प्राइस में मिलेगा इट इज इट्स अ गुड कंपेंसेशन। हम्म व्हाट डू यू थिंक मार्केट में एक एवरेज uh, कंपेंसेशन कितना मिल जाएगा अगर पोस्ट चेयरमैन किसी को कोई अच्छी नौकरी मिलनी करनी हो करना तो मैं समझता हूँ, 15 करोड़ तो मिल ही जाएगा पर ईयर सैलरी पोस्ट चेयरमैन दैट्स अ दैट्स अ फेयर दैट्स अ वेरी गुड कंपनसेशन आफ्टर अगर फुल टाइम कोई करता है तो टेन और फिफ्टीन करोड़ के बीच में कहीं भी अगर उससे कम कंपेंसीशन होगा तो प्रोबेबली एस बी आई चेयरमैन वुड नॉट जॉइन फेयर एंड बहुत सारे बोर्ड्स में भी तो इंडिपेंडेंटली कि दो हाँ, लाख तीन तो लाख तो चार लाख पर मंथ दूसरी बोर्ड से पैसा मिलता है बोर्ड्स वगैरह दे पे वेल तो बोर्ड्स का कैसे क्या होता है स्ट्रक्चर लाइक हाउ मच डू दे पे पेटनी कंपनी का अलग अलग है वो तो सीडिंग भी मिलती है प्लस वो है तो ठीक है आई मीन जितना टाइम लगता है उस हिसाब से बोर्ड्स में है वो तो किसी की भी बैलेंस शीट उठा के देखोगे मिल जाएगा और ऑन एन एवरेज कितना होता होगा लाइक थिंक ऑफ वन बोर्ड पर सेटिंग फी आपको क्या देता होगा कोई भी बोर्ड है इस समय जितने भी अच्छे बोर्ड है वो थर्टी फाइव फोर्टी लैक तो दे देते हैं और भी देते हैं पर ईयर थर्टी फाइव बोर्ड हाँ तो आप पांच जितनी एस बी आई चेयरमैन की सैलरी होती है वो एक बोर्ड में मिल जाएगी और चार पांच बोर्ड पे हो सकते तो हो गया और क्या क्या है बहुत नहीं। <laughs> हाँ, तो पोस्ट ये सारी और पोस्ट कोई कमी नहीं है एस बी आई चेयरमैन के लिए जो रिटायरमेंट के बाद बहुत ओपनिंग्स हैं बोर्ड वगैरह के लिए दैट इज लाइक योर वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट फॉर बोर्ड पोजिशन एस बी आई की जोर्नी में आपके दो तीन चैलेंजेस वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट सेकेंड वेस्ट जेट एयरवेज वो आपने लिखा है जेट एयरवेज के बारे में तो क्या था जेट एयरवेज फ्यास को थोड़ा समझाओगे हमें नहीं जेट एयरवेज में फिनेंशियल पोजिशन खराब थी सीधा बात की कम नहीं कम नहीं गई और एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ एक जो खास बात है इन लोगों के पास एसेट नहीं होते देव एसेट इट अ सर्विस इंडस्ट्री एयर प्लेन्स जो होते हैं सारे लीज पे होते हैं तो लाइबिलिटी है सारी मैं तो अगर आपका अगर डिफॉल्ट है तो लेसर जो है प्लेन उठा के ले जाएगा देर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज एंड कन्वेंशन अराउंड इट कस्टमर का जो पैसा रहता है वो एडवांस मनी है अगर आपने उसको सीट नहीं दी फ्लाइट नहीं करा तो वो पैसा वो वापस ले जाएगा और जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा कि अगर लगता है आपको कि आपकी कंपनी नहीं चल रही है तो प्रोमोटर को जो है वो समझ लेना चाहिए कि भाई अब हम नहीं चला पाए और उससे एग्जिट करते रहे। अगर आप लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते रहे तो फिर एक बार एयरलाइन ग्राउंड हो गई उसको दोबारा हवा में लाना बहुत मुश्किल काम है इट इज़ इम्पॉसिबल इसमें क्या होता है कि जेट एयरवेज क्योंकि नरेश गोयल जी ने अपना जिसको कहते हैं ना बच्चे की तरह बड़ा करके और स्टार्ट करके तो आदमी अटैच हो जाता है तो उनको ये लगता ही नहीं और कि इसको आई शुड गिव इट अप अगर एक साल पहले कोई स्मार्ट आदमी होता है जिसमें कि अपना जो गीता की फिलॉसफी है डिटैच अटैचमेंट डिटैच तो अटैचमेंट हो जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिटैच शब्द है ही नहीं तो अटैचमेंट इतना होता है कि उसको पकड़े बैठे रहे अब राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर कि इट्स गोइंग डाउन एंड समबडी नीड्स टू कम इन पुट मनी टेक कंट्रोल और अगर आप तैयार नहीं है उसके लिए तो थिंग्स केम टू ए सिचुएशन कि फिर कुछ नहीं कर सकते और जहाँ प्लेयर्स ग्राउंड होना शुरू हो फिर तो एकदम क्विक स्पाइरल है हाँ. की बनते जाता है जैसे होती जा रहे। होता, जैसे एयरलाइन क्रैश है, तो जैसे उनका लेकिन शायद कुछ आठ हजार नौ हजार करोड़ का लोन डिफॉल्ट हो गया करोड़, और वो एसबीआई से बहुत मेजर रोल था उनके पास। मेजर नहीं था एस का भी मतलब 15 या 20 हमारा जो एस में आई एफर्ट किया हमने तो उसको जेट को रिवाइव करने में स्टेट बैंक का आठ सौ करोड़ था स्टेट बैंक के लिए आठ सौ करोड़ कुछ नहीं होता है Hmm. When it comes to you know the the kind of of loans uh, and size of the loan you deal with, एक अप्रोच ही हो सकती थी कि भाई हमें क्या करना है अपना आठ सौ नौ सौ करोड़ जो होगा देखा जाए। अब इसमें मेरे दो क्वेश्चन है एक आपको क्यों लगता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री वाइब लोग ऐसे बोलते कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज कर्स्ट है अराउंड शायद ही गुनी जुनी तीन चार एयरलाइन होगी yes. तो जो सक्सेसफुल है, या profitable है, बाकी सब स्टार्ट होती है जाती। इंडिया में सहारा गया तो तो गया, फिशर गया जेट था कम कम से बहुत बहुत टफ हाँ। बिजनेस है ये तो क्यों नहीं बनता मतलब और एयरलाइन जबकि कितनी नीड है कंट्री की मतलब प्रॉपरली आप देखो तो ट्रेन बस एंड एयरप्लेन ही है जो पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट के लिए खाली जाती हैं सीट्स तो जो जिस प्राइस पे सीट देते हैं वो रिमेटिव है ही नहीं आज भी पर सीट किलोमीटर नहीं आजकल तो ठीक है बढ़ाए हुए इन्होंने फेयर्स जो फ्यूल है उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं प्राइस पे और कंपटीशन uh, इतना है कि आपका जो रिवेन्यू है विच इज़ मेजर्ड पर सीट किलोमीटर कॉस्ट तो उसमें मिसमैच आ जाता है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटी ठीक तो आई थिंक जो ओवर कैपेसिटी एयरलाइन इंडस्ट्री में आजकल इंडिया में शायद इस समय नहीं होगी तो अगर नहीं है तो प्राइस उस लेवल पे पहुंच गए जो अनएफोर्डेबल है तो ये एक बैलेंसिंग बिटवीन द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एयरलाइन ज़्यादातर एयरलाइंस तो प्रॉफिट कमाती है अपनी फाइनेशियल इंजीनियरिंग में हुँ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है सबका और जब से बजट एयरलाइंस आई है तो फुल सर्विस एयरलाइन के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट खत्म हो गया हाँ। उसका जेट का क्या था जेट और इंडिगो दोनों का जो रिवेन्यू है पर सीट किलोमीटर वो एक है जेट फुल सर्विस एयरलाइन है उसकी कॉस्ट उससे फिफ्टी परसेंट ज्यादा है वो कैसे एयरलाइन जो है इंडिगो से हाँ। कम भी अब आप या तो इंडिगो की तरह ऑपरेट करिए देन यू कॉन्ट गिव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आप दे रहे हो जो आप दे रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और आ, जेट ने शायद जो सहारा को लिया वो भी एक अच्छा डिसीजन नहीं था किंग फिशर ने आ, ये डेकन एयरलाइंस खरीदी गोपीनाथ की कैप्टन गोपीनाथ की वो भी उनके लिए एक रॉन्ग डिसीजन साबित हुआ और किंग फिशर में क्या था कि आपको जो है ना महाराजा क्लास सर्विस जो है इंडिगो के प्राइस पे आप दे रहे हो तो वही ये तो रेसिपी फॉर डिजास्टर अपने आप में ही है आप तो अगर इंडियो का प्राइस पे कर रहे हो तो इंडिगो जैसी सर्विस मिलेगी आप आ, like remember, <coughs> world, बहुत ने इसमें अपने हाथ गवाए हाँ, बिलियनर और... से अगर मिलेरी बनना है तो ये एयरलाइन शुरू कर दोलांटिक का जो का, है क्या है? हाँ, ही it, कि अगर आपको मिलियनरी बनना है तो एयरलाइन खोल लो बिल से मिलीनरी बन जाओ सो उसके बारे में बताओ मतलब क्योंकि वो भी एक चैप्टर है कि यार बैंक्स विलंस सो आई अंडरस्टैंड दैट कि क्या बैंक बहुत जो रईस लोग हो जाते हैं जो आपको दस हज़ार करोड़ की कंपनी है पंद्रह हज़ार करोड़ की कंपनी है उनके लिए इजी हो जाता है बहुत लोन लेना बिना चेकिंग के बिना एनालिस के जो बिना कैपिटल के जो है बिजनेस के बनता है केवल अपनी इक्विटी कैपिटल से बनता ही नहीं है और बैंकों का ये एक रोल होता है कि जो सेविंग्स हैं वो चैनलाइज करके अगर आपको आज एक मान लीजिए 2000 करोड़ का प्लांट लगाना है तो 2000 करोड़ रुपए किसके पास है तो बैंक से लोन तो आप लोगे तो लोन देना वो तो बैंक का काम है हाँ। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा लोन होगा छोटा प्रोजेक्ट है तो छोटा लोन होगा वो तो बैंक ही बोलते कि मैं बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करूँगा तो कह सकता है लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिस्क कैपिटाइट जिसको बोलते हैं वो डिफाइन करनी पड़ती है और उसका एक प्रोसेस होता है जैसे बैंक है मान लो स्टेट बैंक का ही अगर एग्जाम्पल लें अगर स्टेट बैंक पाँच हजार करोड़ का लोन देता है और यस बैंक पाँच हजार करोड़ का लोन देता है तो दोनों में फर्क अमाउंट तो एक ही है लेकिन जिस बैंक की बैलेंस शीट तीन लाख करोड़ है और जिस बैंक की बैलेंस शीट पैंतीस लाख करोड़ है तो आप फर्क समझ रहे हैं हाँ. कि अगर वो लोन खराब होगा तो यस बैंक डूबी जाएगा स्टेट बैंक नहीं डूब लेकिन ऐसे अगर सारे लोन एक ही टाइम में खराब होना शुरू हो जाए तो स्टेट बैंक को भी प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम हो जाती और वो हुआ एक टाइम में बहुत से कारण थे उसके लेकिन एक जो नैरेटिव बना दिया जाता है हुँ. कि बैंक पैसा लुटा रहे हैं बैंक जो है बैंकर्स जो है मतलब वॉट जो अगर मीडिया के चैनल्स आप देखोगे तो वो शाउट कर करके कुछ लोगों ने अपनी टीआरपी बनाने के लिए जो है इसी को इतना बड़ा इशू बना लिया जहाँ कोई गलत काम हुआ है वो एक्सेप्टेड इशू है लेकिन सारे ही लोन और सब उसमें गलत ही काम होते हैं इस तरह का नेरेटिव जो है वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव इट्स अ वेरी नाइव क्वेश्चन मे बी बट uh, मुझे जानना है इसके बारे में कि जैसे जब लोन लेते हैं जैसे मान लो विजय माल्या केस ठीक है तो उन्होंने लोन तो लिया कंपनी के नाम पे और इंडिया में कंपनी के रूल्स हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी थी है ठीक है तो मैंने कंपनी के नाम पे लिया लोन और मैंने पाँच हज़ार करोड़ लिया दस हज़ार करोड़ लिया और उसके बाद मैं एक कंपनी नहीं चल पाई और कंपनी डूब गई तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो कंपनी लाइबल है पे करने के लिए डायरेक्टर तो लाइबल नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि विजय माल्या ने कंपनी के बेस पर्सनल थोड़ी लोन लिया तो उन्हें अकाउंटेबल क्यों होल्ड किया जाता है वर्सेस कंपनी को नहीं। क्यों नहीं क्योंकि कंपनी तो बोल सकती है हाथ खड़े कर सकते जैसे मेरी कंपनी मैंने हजार करोड़ लोन लिया मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि यार नहीं हो पाया कंपनी नहीं रिपे कर रहे हो अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बनाई गई हाँ ये भी आदमी के दिमाग की उपज है ये कोई बहुत पुरानी चीज़ तो है नहीं हाँ मेरे ख्याल से डेढ़ सौ सौ साल पुरानी चीज़ होगी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी से पहले बनाई गई तो ये भी एक इनोवेशन है और इसलिए वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बहुत बड़ा रोल है लिमिटेड लाइबिलिटी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर आप डाल दोगे किसी इंडिविजुअल को तो हज़ार करोड़ दो हज़ार करोड़ या इतना बड़ा लोन मिल मिले मिलेगा नहीं तो ये प्रिज्यूम करा जाता है कि जो कंपनी है दैट इज ऑल्सो ए पर्सन और कंपनी की ही आप फाइनेंशियल पोजिशन देख के लोन देते जो उसके प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स उनकी अकाउंटेबिलिटी तब आती है जब आप कंपनी जिन नियम के अनुसार चलनी चाहिए उसके अनुसार नहीं चलाते ओके okay. अगर आपने कंपनी के लिए लोन लिया हुँ. कि मैं जो है इसके लिए ऑफिस बनाऊंगा पचास करोड़ खर्च करके और आपने ऑफिस नहीं बनाया हुँ. और पैसा किसी और कंपनी में या कहीं और ले गए तो फिर से अकाउंटेबिलिटी आएगी और आनी भी चाहिए बिल्कुल क्योंकि ये आपने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है इट तो प्रमोटर की वैसे लाइबिलिटी नहीं है वो तब तक नहीं है जब तक कि आपने प्राइवेट यूज़ नहीं किया जब तक आपने उस ट्रस्ट को कर। करा आपने कंपनी से पैसा नहीं निकाला आपने कंपनी के फंड्स डाइवर्ट नहीं करे अगर मैंने आपको ऑफिस बनाने के लिए पैसा दिया है और आप विला में लगा दो बनाने में तो फिर तो आपकी लाइबिलिटी बनती है क्योंकि तो कंपनी में जो प्रमोटर भी होता है इन ए वे वो एक तरह का ट्रस्टी होता है हु इज रनिंग द फेस ऑफ द कंपनी और उसके तो इतना बड़ा कंपनी लॉ लिखा हुआ है तो अगर लिस्टेड एंटिटी है तो इतने बड़े सेबी के रेगुलेशन लिखे हुए हैं तो आपको वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना ये माना जाता है और ये गिवन है कि आपके सारे एफर्ट के बाद भी <coughs> कंपनी लॉसेस में चली है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं लेट्स लेट्स मूव फ्रॉम योर एस बी आई जर्नी टू नाउ योर स्टार्टअप जर्नी तो फोर्टी ईयर्स ऑलमोस्ट फोर्टी ईयर्स सर्व करा तो आप फिर स्टार्टअप में मूव क्यों है भारत पे क्यों ज्वाइन किया आपने क्या सोचा क्योंकि इस टाइम पर यूजली कैसे लोग करते हैं यार मेरा रिटायरमेंट हो गया है मैं थोड़ा चिल करता हूँ मैं रिलैक्स करूँगा तो क्यों आइडिया लगा भारत पे का एंड फर्स्ट टाइम अप्रोच कैसे हुआ क्यों आइडिया भी आया क्या सिचुएशन थी बता स्टार्टअप well, या फिनटेक्स के साथ हम काम तो बहुत करते रहे हैं एज एस बी आई चेयरमैन आई वॉज वेरी सपोर्टेड हमने बहुत फिनटेक्स को सपोर्ट किया पॉलिसीज बनाई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई स्टेट बैंक में कि स्टार्टअप से हमें प्रोक्योर करना है क्योंकि वो अदरवाइज टेंडर में कॉम्पीट नहीं कर पाए तो उसका लिमिट रख के कि तीन करोड़ तक का विदाउट टेंडर हम करेंगे वो एक तो वो इंटरेस्ट तो था ही और अप्रोच तो ऑब्वियसली अश्नीर ने ही किया दो तीन बार किया तीन चार बार हमने मना भी किया क्योंकि मेरे पास तो बहुत मार्की बोल्टस सब थे एच एस बी सी और उस समय तो एच एस बी सी था और एल टी आई था एल ए टी इन्फोटेक और भी कई जगह पाए तो बोल्ड्स आज भी मेरे जो बोल्ड्स हैं दे ऑल आर वेरी हाई क्वालिटी मार्किट पर वो एक अलग तरह का काम है वो आप स्टेट बैंक में भी स्टार्टअप का जो थिंकिंग था कि यू आर अमंगस्ट यंग पीपल यू आर अमंगस्ट एनर्जेटिक पीपल इनोवेशन और गाइडेंस की जरूरत है मैंटरिंग की जरूरत है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको ज्वाइन करूँ दैट वॉज द बैकग्राउंड ओके फर्स्ट अप्रोच अश्नि ग्रोवर ने आपको अप्रोच किया तो किस रोल के लिए अप्रोच किया था इसी के लिए किया था Uh, डायरेक्टरशिप के लिए ओके okay. क्या आप और वगैरह एग्जैक्ट वर्ड यहीं बैठ के बात वॉज कि हमारी कंपनी को आपके आने से स्टेचर में बाद में कुछ भी हुआ वो अलग बात है बट दिस वॉज देशन तो प्रॉब्लम क्या हुई ओवरऑल भारत पे मतलब ये फसल पूरा सब मीडिया में है कि तो क्या प्रॉब्लम हुई वन तो साइडेड है ना आप मतलब आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हुआ कैसे हुआ कंपनी ग्रोथ करती है और उस प्रोसेस में जो एक ब्रेक्स हैं और गवर्नेंस है वो बैक सीट पर अगर रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नेंस की प्रॉब्लम अब सॉल्व यार बिकॉज जिस स्केल पे भारत पे एकदम तेज़ी से बढ़ी और पहुंच गई तो उसमें कोई प्रोफेशनल सीएफओ नहीं है प्रोफेशनल एचआर हेड नहीं है इंटरनल ऑडिट का हेड नहीं है कम्प्लायंस नहीं है बट यू नो वट फैसनेट्स मी अ लॉट कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है जहाँ पे फाउंडर्स यंग फाउंडर्स एक बहुत एक्सपीरियंस सी को लेके आते हैं या बहुत एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिवस को लेके आते हैं और करते हैं और बहुत सारे अच्छे डिसीजन होते हैं गलत डिसीजन होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है राइट पर अश्नी ग्रोवर वेंट ऑन रिकॉर्ड एंड बी लाइक कि वो मतलब हर जगह आपके अगेंस्ट बहुत सारे कॉमेंट्स करते हैं तो डज देट बॉदर यू नॉट एट ऑल्ड नीड की मुझे, ने, मुझे किसी नाच्ची नाच्ची देखो दीपल uh, hmm. उन्हें तो कोई फर्क पड़ा है hmm. ठीक है कि वो जानते हैं कि वॉट इजीज को एंड इज वैल्यूज एड वट काइंडसन ईज और जो नहीं जानते उनसे मुझे क्या लेना देना वाई शुड आई बॉर्ट ऑल इज इन रेट न तो मेरे किसी असाइनमेंट में कोई फर्क पड़ रहा है न मेरे मार्केट में डिमांड कम हुई है hmm. और हम तो उस स्टेट में करियर के कि हमें तो किसी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है ट्रू आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम मै नी बड़ी तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो किसी भी उसमें रिस्पॉन्ड करना वो तो मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक ही नहीं है फिर जैसे अब मैं किसको समझाऊँगा पब्लिक को मुझे क्या समझा नहीं पब्लिक को नहीं समझाना इज़ वट एम थिंकिंग फ्रॉम अ फाउंडर परस्पेक्टिव या कंपनी के बोर्ड के परसपेक्टिव कि जब एक्स फाउंडर जो आपके क्लोज होते हैं वो आपके खिलाफ कोई अगर ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरी सबसे बड़ी हायरिंग मिस्टेक थी कि मैंने रजनीश कुमार को हायर कर लिया ये कर दिया उनसे और भी बहुत सारे उनके बहुत सारे <coughs> कॉमेंट्स हैं कि पता नहीं क्यों उनको मैं बोर्ड पे लेके आ गया एक्स एक्स वाई वाई एक्सवाइजी तो इससे मार्केट में जिन लोगों को आपके साथ काम करना है वो बहुत अफेक्ट नहीं होता वो नहीं अफेक्ट होता क्यों उसके जैसे अगर मुझे यंग हो मुझे इसके पास भी मुझे तो हर हफ्ते में एक ऑफर मिलता है कि सर हमारे बोर्ड पर आ जाओ या हमारे एडवाइजर बन जाओ तो मुझे तो एवरी वीक आई गेट ऑफर तो उससे अभी कोई पब्लिक मतलब अच्छे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे नए लोग जो जुड़ना चाहेंगे अच्छे लोग जुड़ते ही है उसके बाद तो मैंने तीन कंपनी ज्वाइन करी है बोर्ड में एल एन टी मैंने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी इंटरनेशनल कैनेडियन लार्जेस्ट रियल इस्टेट मैनेजर है उनके बोर्ड पर मैंने ज्वाइन किया तो दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग द पीपल हु नो रजनीश कुमार राइट दे डोंट कैरीड अवे वॉट इज बिग सेड अबाउट मी बिकॉज देफॉर्मेशन तो यंग टैलेंट आपको जैसे ज्वाइन करने के पहले ही सोचेगा ना कितने लोग आए भारत पे में ये सब इसी बात पे आए कि रजीश कुमार जो है भारत पे, पे चेयरमैन एक वन ऑफ द फैक्टर्स हाउ मेनी पीपल हेव ज्वाइन इन भारत पे इट सेल्फ एटलीस्ट टेन ट्वेल्व सीनियर एग्जीक्यूटिव हु प्लेस इन देयर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड देव कम टू भारत पे वीव हाइड इन यू सी टी ओ वी न्यू हेड ऑफ पेमेंट्स वी संदीप इंदुरकर वो आई सी आई सी बैंक में अच्छी खासी पोजिशन बैठे हुए थे आगे hmm. तो टैलेंट की कहाँ कमी है भारत में आज को हायर करना लाइन लगा के लोग आएंगे जिन्होंने एक्चुअल मनी स्पेंड करा है hmm. और रियल कैश कंपनी में डाले उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें क्या प्रॉब्लम अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो बोलते ना कि सर आप जाओ हाँ और अगर वो मेरे को बोले आज सर जाओ तो मैं आज चले जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, सही है तो तो कोई भी बोलेगा कि सर आप की वजह से हमें दिक्कत है अरे ये लो भाई तो ठीक है जब आप ऐसी दिक्कत नहीं है तो मैं कोई यंगस्टर तोड़ी हूँ जिसको कि जॉब की जरूरत है और आ, काम नहीं चलेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है आपको क्यों लगता है कि फिर अश्निक ग्रोवर ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं आपके अगेंस्ट वो रिप्लाई <laughs> 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 like? एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ देखी मुझे मतलब बहुत भारी भी लगा बट आई वॉन्टे टू आस्क यू कि इंडिया में वन जीरो सिक्स यूनिकॉर्स हैं 106 सौ छः <clears throat> 106 एक में से भारत पे इकलौता यूनिकॉर्न है जिसके सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स ऑफ है ना ट्विटर पे ना ना इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट नहीं कर सकता तो ऐसा क्यों कि कमेंट्स ऑफ कर रखें वो भी रिव्यू अब चल रहा है लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो डेलीफेटली आप जो है ना इंस्टीगेटेड कमेंट्स भी जो है आ जाते हैं कई बार या कुछ है। पर आई एम ओके लाइक सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी लिखे तो क्या मुझे पता नहीं अभी तो खुल जाना चाहिए था उसका कमेंट सेक्शन रिसेंटली सोहेल समीर ऑल्सो लेफ्ट हाँ एज अ सी तो उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न था जाने का कि कि मस्जिद भाई आजकल ये तो अभी तो ये बात कर रहे थे हम या तो एवरेज ही दो साल ढाई साल तीन साल होता है तो क्या वो तो स्टार्टअप में क्या है मैंने रीज़न एनालाइज किया दो रीज़न है एक तो सबके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी है तो वो एक दिमाग में कहीं भी नहीं है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा और सेकंड जो है एक एंटरप्रिन हिस्ट्री है कि भाई मैं अपना कुछ करूंगा दो रीजन कैन सेवरल सेपरल आदमी अपने काम करना चाहता है अपना फंड सेटअप करना चाहता है तो बहुत लोग गए भारत में से और बहुत लोग आए भी हैं जितने गए है उससे ज़्यादा आए और जो टैलेंट आया है वो किसी भी रिस्पेक्ट में आउटगोइंग टैलेंट से कम नहीं है ई कैन सी विद गारंटी जब आप एकदम ऐसे एक लेगेसी बिजनेस चाहते हो ठीक है एंड मतलब समथिंग लाइक एस बी आई और आप एस बी आई के चेयरमैन रहते हो तो आपका स्टैचर आपका नेम आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती है बहुत हद से ज़्यादा मतलब लोग आपको एक बहुत पिनाकेल ऑफ सक्सेस जैसे देखते हैं राइट वर्सेज देन आप फिर जब स्टार्टअप में आते हो और स्टार्टअप में ऐसे अलग अलग तरीके एलिगेशन लगते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि खुद में ऐसा लगता है कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे या कैसा हो रहा होगा क्योंकि मतलब तो इनकम्पेरेबल ऑब्वियसली स्टार्टअप में भारत पे में यंग एनर्जी है कुछ नया करना है ठीक है बट जो स्टैचर और रिस्पेक्ट एस के चेयरमैन को मिलती है वो भी भारत पे के चेयरमैन को नहीं मिलेगी ठीक है वर्सेस जब ऐसे और एलिगेशन लगेंगे तो पर्सनली अफेक्ट करता है कभी डे टू डे लाइफ में कि यार मुझे लोग अब ऐसे देख रहे हैं कि यार कोई दूसरा इंसान मेरे बारे में कोई कमेंट कर रहा है उसकी वजह से लोग मुझे गलत नज़र से देख रहे हैं या मैंने लाइफ में इतना कुछ किया चालीस साल मैंने सर्विस करी मैंने इतनी बड़ी अपनी लेगेसी बनाई और लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कभी ऐसा लगता है पर्सनली पूछा मेरा सही है कि देखिए रिटायर तो सब पूर्ण है हुँ. ठीक है जब आप रिटायर हो किसी भी पोजिशन से वो तो अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति भी रिटायर हो गए तो आपका जो स्टेचर है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा हाँ जो वेन यू आर इन अ चेयर इन अ पोजिशन वो अलग ही होती है वो आपसे ज्यादा आपकी चेयर की रिस्पेक्ट होती है दो शब्दों से बना है ना चेयर और मैन तो उसमें नाइन्टी परसेंट चेयर की होती है और दस परसेंट आदमी की होती है तो वो तो जिस दिन आप रिटायर हो गए अगले दिन जो है ना चेयर वाली वो तो चली चेयर अब उसके बाद आपके पास चॉइस चौईस। एक चॉइस है आप कुछ नहीं करो आराम से अपनी पेंशन ठीक है और अपना जो पेंशन मिलती है उसमें अपना या जो सेविंग आप गुजार रखें hmm. एक ये कि यू वॉन्ट टू बी एक्ट तो एक्टिव जब आप हो गए ठीक है जैसे लाइक मेरी एक चॉइस ये है कि मैं केवल जो बड़े बोल्ट हैं जो मेरे पास हैं कि एच एस बी सी है और अंबुजा सीमेंट है हीरो मोटर्स है आप उसके बोर्ड पे आप रहे hmm. लेकिन उस बोर्ड में जो आपका रोल और वो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है फिर भी और जो जिसमें आपकी एनर्जी लगती है या फिर भी आपका ज़्यादा रोल होता है वो मान लीजिए भारत पे या एम डी आई है उसका मैं चेयरमैन तो वो पैसे की भी बात नहीं है एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को मजा आता है एम डी आई गुड़गांव को जो है उसको है इसी तरह से भारत पे का इंटेंट तो मेरा यही था कि मेंटर की जरूरत है तो यू मेंटर मैंटर आज भी आई एम गेन टेलिंग मैं और भी स्टार्टअप्स को एडवाइस करता हूँ वोयो को भी एडवाइस करता हूँ ठीक है यहाँ पे थोड़ा uh, मतलब बोल्ड पोजीशन मैंने ले रखी है पर इसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटीज ऐसा ही सेट कि कभी रुकी ही नहीं एंडीफाई hmm. टेक्नोलॉजी uh, को भी करता हूँ और भी एक दो स्टार्टअप सो दे आर रिक्वेस्टिंग मी आप एडवाइस करो hmm. तो, जो लोग मैटर करते हैं जैसा मैंने कहा उनकी ओपिनियन मेरे बारे में बिल्कुल चेंज नहीं हुई वरना होगी hmm. और जो मैटर नहीं करते हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं हो अरे मैं कोई मुझे वोट तो इकट्ठे करने नहीं है, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं <हुँ। laughs> तो मेरा तो काम यही है कि अगर इट विल बी ए सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस ई भारत पे सेट्स अ गुड एग्जाम्पल दैट हाउ ए स्टार्टअप और फिनटेक शुड बी रन एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो टैलेंट है कंट्री का यंग रॉ एनर्जी है उसके साथ साथ मेंटर्स की जरूरत है और अगर मेंटर्स ठीक मिलेंगे और दे डोंट टेक ए ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच स्टेट बैंक तो ब्यूरोसी से चलता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं चलती आपने बोला ना वहाँ तो लेयर्स हैं आपको चेयरमैन से भी मिल है तो वो बीस लेयर है तो भारत में भी, भी तो ऐसा होता तो जब हम एस के ऑफिस जाएंगे तो दस लोग नीचे खड़े रहेंगे चेयरमैन साहब आ रिसीव करेंगे यहाँ तो ऐसा डी कुछ भी नहीं तो वो तो रियलाइजेशन आदमी को होना चाहिए और जो भी कर रहे हैं आप कोई कंपल्शन से नहीं कर रहे इट इज माई चॉइस आज ऑप्शन है मैं बात बोलूँ भी मैं नहीं करता है ना तो और अभी कोई इस समय हमें कोई ऐसी किसी भी तरह की नीड ही नहीं है क्योंकि हमारी कोई को फिनेंशियल नीड थोड़ी है कि हम भारत पे में करें या आ, कहीं और करें कर या कहीं भी करें और मेरे को तो यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मतलब? आई एन्जॉय और मेंटर इतने लोगों को मैं कर रहा हूँ शाश्वत नकरानी है क्योंकि तो ओरिजिनल फाउंडर है शाश्वत नगरानी और भाभी कोलरिया ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ भारत के

और जबकि वो टेक्नोलॉजी कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ थोड़ी है तो इट इज लाइक एज एन इंडिविजुअल तो हमें तो वो अच्छा ही लगता है फास्ट में कहीं किसी की गलती कुछ हुई होगी तो जिसका उसने प्राइस पे कर दिया ठीक है तो अभी उसमें क्या करे उसको जो है मतलब एवरीबडी न्यू इट अदर देन बेस्ट जब तो पता ही नहीं तो <laughs> <laughs> तो जब आप आए ज्वाइन किया भारत पे तब आपको इस तब तक पता नहीं था और जब आपको पता चला एग्जैक्ट और क्या था, था एक्टिविटी उसने करी यूएस में विच वाज नॉट एज पर लॉ इंटेंशनल करी अनशनल करी वो तो पता नहीं आ गया ठीक है यहाँ तो कोई उसके ऊपर कोई एमसीए में या कहीं पर भी कोई केस तो है कुछ भी नहीं इंडिया वेंचर ऑल राइट सर ऑन द लास्ट नोट लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे एनी एडवाइस यू हैव यंग स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए या यंग लोग जो ये देख रहे हैं क्या एडवाइस दोगे क्योंकि आपने एक लार्ज कंपनी भी अपने लार्ज कंपनी में क्या आप पार्ट रहे हो आप उसके चेयरमैन रहे हो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दर् इन द वर्ल्ड नॉट इन दंट्री और फिर आप एक स्टार्ट अप के भी पार्ट रहे हो तो क्या एडवाइस है आपकी एक जो इस हर यंग इंसान को रखनी चाहिए एक चीज़ तो मैं हमेशा किसी भी यंगस्टर को ये भी एडवाइस हमेशा दे दो मनी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग इन लाइफ कीप योर वैल्यू सिस्टम इन गुड ईमानदारी से काम करना चाहिए और ग्रोथ ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है इन्ोवेटिव होना बहुत जरूरी है लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होगी तो उसके साथ साथ आपको जो बाकी फंक्शंस हैं गवर्नेंस से रिलेटेड उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी और शॉर्टकट्स लाइफ में जो है दे डोंट टेक यू फार और एक और एडवाइस की अगर आपको जो है सफलता मिलती है कीप योर हेड डाउन वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि उसको सफलता को आप इंजॉय करो उसको वैल्यू करो लेकिन आप समझ लगो कि मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं होता वो अर्ली स्टेज में और ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर अर्ली सक्सेस मिल गई आपको और आप ये समझ चलो कि आई एम गॉड तो दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ क्योंकि लाइफ इज सो अनसर्टेन कब आपको कहाँ क्या झटका लगेगा पता भी नहीं लगेगा आपको True. तो इसलिए उसको वैल्यू करना चाहिए ना कि अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए इतने सब ये जो आइकॉनिक बिजनेस लीडर्स हैं इंडिया में किसी को भी उठा के देख लो उनकी एक करेक्टरिस्टिक मिलेगी कि सक्सेस इज नॉट टू देर एड इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर गिविंग एस टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताओ कि ऐसे और कौन कौन से गेस्ट है जो आप देखना चाहते हो फिगरिंग आउट पर एंड प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो शेयर करो लाइक like करो कॉमेंट करो एंड एटलीस्ट एक इंसान के साथ ये शेयर करो और उसको बताओ कि यहाँ की कॉन्वर्जेसन उसकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है बिकॉज वन कॉन्वर्जेसन कैन गिव यू सो मेनी आइडियाज़ एंड आर द सो मैनी आइडियाज अगर तुम एक पे भी इम्प्लीमेंट कर जाओगे तो तुम अपना इंडियन ड्रीम जल्दी अचीव कर लोगे थैंक यू सो मच अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट